सितंबर पिछले 24 घंटे में स्वाभाविक से कम बारिश हुआ है, केवल कुछ कुछ स्थानों पर बारिश हुआ। हाईस्ट बारिश मिला 10 पल्ला में नवागढ़ डिस्ट्रिक्ट का 76.2 मिलीमीटर। अभी सीजनल स्थिति जो आ रहा है, 1 जून से आज 9 सितंबर तक 737.7 मिलीमीटर बारिश टोटल हुआ है। इस समय तक स्वाभाविक होता है 1008 मिलीमीटर, तो 27% अभी डेफिशियंट है। डिस्ट्रिक्ट वाइज 12 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक कैटेगरी में है और 18 डिस्ट्रिक्ट में डेफिशियंट कैटेगरी में है। डेफिशियंसी 40% और मोर है 5 डिस्ट्रिक्ट में भद्रक, बलांगीर, जाजपुर, झारसुगुड़ा, संबलपुर। अभी हमारा जो फोरकास्ट अगला 5 दिन के लिए है, इसमें अगला हमारा 11th को आसपास लघुचाप और लो प्रेशर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग हमारा सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में होने का चांसेस है, तो इसका प्रभाव में 11th से बारिश का अमाउंट और एरिया भी इंक्रीज होने का चांसेस है। अभी अगला 2 दिन में आज और कल 9 और 10 मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा, क्योंकि मानसून ट्रॉफ अभी हमारा उड़ीसा का ऊपर से ही है। और 11 तारीख से लघुचाप का वायु से बारिश ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। 11th को मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होगा, एक दो जगह में हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड वे में होने का चांसेस है। मेनली कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट खुर्दा, पुरी, जगत सिंहपुर, कटक, इंटीरियर का बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्द्र, मयूरभंज। फिर डे फोर एंड डे फाइव हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। 12th को मेनली कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में वेरी हैवी रेनफॉल और इंटीरियर में हैवी रेनफॉल। 13th को इंटीरियर में वेरी हैवी रेनफॉल और कोस्टल में हैवी रेनफॉल एक दो जगह करके होने का चांसेस है। अभी भुवनेश्वर सिटी में हमारा मेनली जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा और एक दो स्पेल्स हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। और फिशरमैन के लिए वार्निंग है, जो क्योंकि लघुचाप का वजह से स्क्वाली वेदर, विंड स्पीड 45 टू 50 हर्ट्ज आ सकता है, तो इसमें फिशरमैन को समुद्र जाने के लिए मना किया है 12 से 14 तक फिशरमैन को समुद्र जाने के लिए मना है। अभी जो लोग डीप्स एरिया में है उनको 11 तक वापस आना है।